अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू प्ले टीवी। और जिस जगह मैं इस वक्त बैठी हूँ मैं बयान नहीं कर सकती, इस वक्त नहीं बोला जा रहा। आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, ये इनका बेटा है सबसे बड़ा, और आपको लग रहा होगा छोटा सा बच्चा। लास्ट ईयर भी मैं आई थी प्ले टीवी के साथ ही, ये 18 साल का बेटा है। ये जब मैं आई थी जब कमज़ोर था, मगर अब तो ये और भी कमज़ोर हो गया। इनके शौहर कुछ भी नहीं करते, काम मिलता है अब नहीं, काम कोई मिल रहा था। जो इनका एक बेटा है 12 साल का, एक इनका भी 40 दिन का भी बेटा है। दो बेटियाँ ये ऊंचा भी सुनती हैं, इनसे मैं आपकी बात कराऊंगी। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, एक बच्चा इस तरह पड़ा हुआ है, उसको कोई चीज़ का होश नहीं है। चबा के खाना देना पड़ता है, बोल तो सकता ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता। आज चलते फिरते आदमी की भी इज्जत या कदर नहीं होती। ये तो ऐसा बच्चा है जो उसको कुछ पता ही नहीं। कह रही है जब प्यास लगती है तो रोता है, तो माँ ही है जो ये कर सकती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ ये फ्रॉकें, ये काम करती हैं, इसी से इनका घर का खर्चा चलता है। जो इनका 12 साल का बेटा है, आप बताएं, आप अभी बता रही थी जो 12 साल का बेटा है उसने आपको रोते हुए देखा। 12 साल के लिए 10 साल की, 10 साल का, 10 साल का बेटा है तो उसने आपको रोते हुए देखा। फिर सब्जी बेचने चले, वो ना पंजाबी जो है ना उसने लगा दिया काम पे, तो वो सब्जी बेचने चला गया। कब से ये जो बेटा 18 साल का है, आपको कैसे पता चला कि ये? जब 8-9 महीने हो गए ना, बेटा नहीं चल रहा, बैठने भी नहीं है, इसलिए सब कह रही है 8-9 महीने में तो बच्चे को बैठना चाहिए। फिर उस वक्त से हम डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, पति को भी दिखा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा। आपको मैं सलाम पेश करती हूँ कि इतनी हिम्मत है आप में कि ऐसी जगह पर आके अल्फाज नहीं मिल रहे होते। आप किस तरह, मतलब आप एक जोन में चले जाते हैं, आप जिन चीज़ों को आपको दिख रही होती हैं वो आप बयान नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरह से इस पे जितनी ज़्यादा तकलीफ में, पता नहीं इसको, आपको ज़्यादा पता होगा कि ये इसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। माँ को होगी बिल्कुल, आप जिस तरह से मैं देख के मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कितना फील होता होगा। अल्लाह ताला तो आपको भी सबर दे, आमीन। क्या खाता होगा बच्चा, हालत देखें इसकी, बच्चे की फ्लैश तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ बोन्स ही बोन्स है। मतलब वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाया। अल्लाह ताला तो आपको भी सबर दे, आमीन। प्लीज आगे बढ़े, सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट नहीं है कि वो ही सिर्फ ये करे। ये रमजान का महीना है, ये तो मौका दिया है अल्लाह ताला ने, चुनता है लोगों को। ऐसी माँ को सलूट करना चाहिए कि एक माँ क्या कुछ करती है अपनी औलाद के लिए, और घर लेके चल रही है, काम कर रही है, बेटियाँ भी लगी हुई हैं। अगर ये काम नहीं करेंगी इनको कौन देगा? और एक 8 साल 10 साल का बेटा सब्जी वाले की दुकान पे कितने मिलते होंगे, क्या मिलता है उसको, बेटे को क्या मिलता होगा सब्जी वाले की दुकान पे? 150 रुपये। हमें तो रमज़ान में बहुत कुछ चाहिए होता है, हमें दस्तखान भी भरे हुए हों, ये एक चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। प्लीज़ थोड़ा सोचें, आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें, नेकी कमाएं। जो आप अल्लाह के लिए करते हैं ना, अल्लाह ताला किसी का कुछ नहीं रखता, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको देगा। प्ले इंटरटेनमेंट ने आपके लिए 10,000 रुपये भी भेजे हैं, और आपके लिए राशन भी भेजा है। इनके नूर के साथ मैं बहुत करीब बैठी हूँ, और जिस तरह की इनकी तबीयत है और जिस तरह से ये को कोई तकलीफ है, क्या है, इनकी माँ भी नहीं समझ पाती बाज़ औक़ात, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, बस उन्हें खिलाती पिलाती हैं दो वक्त का, और उसके बाद इनकी सफाई करती हैं। जी बिल्कुल, जब रोता है तो जब माँ को पता चलता है प्यास है, तो बहन भाई उनको काम फिक्र। अभी ये कह रही हैं नीलम, ये कह रही हैं, आप खुद बताएं, ये कह रही हैं मैं बहुत परेशान थी, फिर अभी 3 दिन आया भाई आके मेरे से, जब बोलिए मैडम आएंगे, बोला तो मेरे को थोड़ा सा हिम्मत आई, फिर मैं बहुत खुश हो गई। देखिए जब पहले भी आपने मेरी मदद की थी, उस अल्लाह करिए मदद तो अल्लाह करे। दादा वैसे सही बात है, पूरा मोहल्ला जिस तरह आपके साथ रिलेट कर रहा है, जिस तरह आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपका मुंतजर होता है, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह की तरफ से ये बहुत
ये आसरे पे बैठी थी, कह रही वो आए, वो इनका कार्ड वार्ड लेके गए, कह रही मुझे एक आसरा था कि आप लोग आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, लेकिन साथ ही साथ तकलीफ भी बहुत बहुत है। और यहाँ पे नायदा आप देखो, यहाँ पे इस तरह के फ्रॉक्स का बड़ा काम है इस एरिया में ना, यहाँ पे इस तरह की बहुत चलती है। यहाँ पे हम पिछले भी एक आध घरों में गए थे तो वहाँ पे भी घर में औरतें, देखिए औरत ही मल्टीटास्कर, यस मल्टीटास्कर है औरत, वो घर को भी चलाती है, शौहर को भी देखती है, ऐसे बच्चों को भी देखती है, फिर ये काम भी कर रही है, सिलाई भी कर रही है, और बच्चों को लेके इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो बच्चियां भी लगी हुई हैं, वो सामने नहीं आती बच्चियां। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे आगे बढ़ें। और प्ले इंटरटेनमेंट का शुक्रिया कि आप लोग दुआएं ले रहे हैं इन सब की, और अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे, हमको भी चुने, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बस ये अल्लाह चुनता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पे अपना रहम और करम फरमाए और आपके लिए हर चीज़ आसान हो, आपके मियाँ भी ठीक हो जाएँ और बच्चियाँ भी, और बच्चियों की अच्छी जगह शादियाँ भी, और बच्चा जो है वो पढ़ाई करे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।